भीगा भीगा सा ये सितंबर है, भीगी भीगी सी ये सड़कें हैं, इन सड़कों पे जी नहीं लगता, हमको नारायण की याद आई है। सुबह के 6 बजे हम घर से निकले हैं और मौसम बड़ा कमाल का है, सारी रात बारिश होती रही है और अभी रोमांटिक मौसम है, तो अभी हम जा रहे हैं नारान। हम आपको दिखाएंगे रोमांटिक मौसम में नारान का व्यू, तो साथ रहें, वीडियो पूरी देखें और एंजॉय करें। इस्लामाबाद से नारान जाने के लिए पिशावर मोटरवे M1 पे एंटर होना पड़ता है। तो पिशावर मोटरवे से हम हरिपुर एबटाबाद हजारा मोटरवे पे एंटर होते हैं। हजारा मोटरवे पे इंतहाई खूबसूरत मंजर, ऐसे मौसम में ड्राइव बहुत एहतियात से कीजिए, ओवर स्पीडिंग बिल्कुल भी ना करें और जब ज़्यादा धुंध हो तो डबल इंडिकेटर का इस्तेमाल लाजमी करें। नारान के लिए मानसेरा इंटरचेंज पे आप क्यामोतोम के बाद उतर सकते हैं और अगला शाता, वहाँ से भी आप नारान के लिए टर्न कर सकते हैं। मानसेरा वाला इंटरचेंज जो है मानसेरा सिटी के अंदर जाता है और नेक्स्ट वाला जो है वो स्ट्रेट अवे बालाकोट की तरफ निकल जाता है। मानसेरा के बाद बालाकोट सिटी आता है और उससे पहले यहाँ पे काफ़ी होटल्स मौजूद हैं जहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप खूबसूरत नज़ारे इंजॉय कर सकते हैं। यह है दरियाए कुनहार जो कि बालाकोट सिटी के साथ चलता है नीचे, पर इंतहाई खूबसूरत और मज़ेदार जगह है यह। बालाकोट से तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव के बाद केवाई आबशार आती है जो कि इंतहाई खूबसूरत जगह है। चाहे अगर ज़्यादा गर्म लगे तो केवाई आबशार के पानी में डुबोके ठंडी कर लें। ये चीज अब ठंडी हो गई। शोगरा के लिए केवाई से ये रास्ता ऊपर जाता है जो तकरीबन 20 मिनट का रास्ता है यहाँ से, और नारान के लिए ये स्ट्रेट रोड नीचे वाला जा रहा है। केवाई से तकरीबन 1 घंटे के फासले पर कागान वैली आती है, ये कागान बाजार है। कागान बाजार से बाहर निकलकर ये एक पॉइंट है जहाँ पर ये पानी आ रहा है और ऊपर एक बहुत बड़ी आबशार है। अभी हम ऊपर जा रहे हैं और वहाँ जाके फ्रेश होंगे और फिर आगे नारान के लिए निकलेंगे। ये देखें वो एक आबशार है, ऊपर जाके आपको दिखाते हैं, खूबसूरत आबशार है। दरियाए कुनहार के किनारे गर्मा गर्म पकौड़े, कागान से नारान तकरीबन 23 किलोमीटर और 45 मिनट का सफर है। ये है नारान बाजार, सीजन तकरीबन ऑफ हो चुका है इसलिए बहुत अमन शांति हो चुकी है यहाँ पे, वरना सीजन में यहाँ पे इतना रश होता है कि गाड़ियाँ क्या पैदल भी चलना बहुत दुश्वार हो जाता है। नारान बाजार से आगे ये पुल आता है जहाँ से झील सैफल मलूक का रास्ता ऊपर की तरफ जाता है। ये जो पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं बादल, और ये पानी भी झील सैफल मलूक से ही आ रहा है, और ये जीपें यहाँ से जाती हैं जो ऊपर झील सैफल मलूक लेकर जाती हैं। ये है नारान PTDC मोटल जो कि सयाहत को फरोग देने के लिए 3 साल से बंद किया हुआ है, और तकरीबन जितने भी PTDC के मोटल्स हैं टूरिस्ट स्पॉट्स पे वो सारे के सारे बंद हैं क्योंकि सयाहत को फरोग दिया जा रहा है।
बटा कुंडी आबशार जो कि नारान से तकरीबन 20 मिनट के फासले पर वाक़ है और ये इंतहाई खूबसूरत आबशार है जिसमें तकरीबन 3 स्टेप्स हैं, 1, 2 और 1 नीचे हम अभी दरमियान वाले पे हैं। नारान से आधे घंटे के रास्ते पर बटाकुंडी आता है जो कि एक नया स्पॉट है और काफी अच्छे होटल्स यहाँ पे मौजूद हैं और व्यू इसका बहुत प्यारा है, यहाँ पे भी आप नाइट स्टे कर सकते हैं। जलखट से आगे एक ये छोटा सा प्याला है जिसको प्याला झील बोलते हैं और ये बहुत खूबसूरत बिल्कुल गोल शेप में है और प्यारी जगह है ये वाली। और ये सामने जो रास्ता ट्रैक एक जा रहा है ये नूरी टॉप से होता हुआ शारदा जाता है नीलम वैली कश्मीर में। ये 4x4 ट्रैक है, बाइक पे भी यहाँ से जा सकते हैं और जीप पे भी जा सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत जगह है नूरी टॉप और ये वाला एरिया सारा जलखट का है। यह है लोलोसर झील और ये काफ़ी बड़ी झील है जो बाबूसर से पहले आती है और नारान से तकरीबन 1 घंटे के फासले पर मौजूद है। बाबूसर टॉप हम पहुंच गए हैं, ये बाबूसर टॉप है और यहाँ पे बारिश और मौसम मज़ेदार। ये सारा